दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन के होने की दो संभावनाएं मौजूद हैं, जिसमें पहला है कि हम पृथ्वीवासी इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी तरह ही कई और इंटेलिजेंट और एडवांस सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में निवास करती हैं, पर बेहद ही ज्यादा दूरी पर होने के कारण वो हमसे संपर्क कर पाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। वहीं ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने हमें सिग्नल भेजे थे तो उस वक्त हम उनके सिग्नल को रीड करने और उनको रिप्लाई करने के योग्य नहीं थे, या हम इतने उन्नत नहीं थे जो उनकी बातों को समझ पाए, और इसलिए उन्होंने हमारे इस ग्रह को मृत ग्रह समझकर हमसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया हो। वहीं एक दूसरा जवाब यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर है, और इस विशाल ब्रह्मांड में केवल कुछ गिनी चुनी इंटेलिजेंट सभ्यताएं ही मौजूद हो सकती हैं, पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह जरूर मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन अपने शुरुआती चरण या माइक्रोबेल फेज में हो, या हम इंसानों की तरह एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, या फिर हो सकता है वहां पर डायनासोर जैसे युग का जन्म हो चुका हो, या हो सकता है कि आने वाले समय में जो हाल पृथ्वी का होने वाला है वहां पर वह विनाश चल रहा हो। वैसे देखा जाए तो अभी हमारे सौरमंडल में भी जीवन की संभावनाएं वाले ग्रहों का नाम खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे सौरमंडल में मार्स यानी मंगल जैसे ग्रह हैं जहां जीवन की अपार संभावनाएं हैं, वहां अतीत में जीवन होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में एक बोना ग्रह सैरस, जिसने पूरी विज्ञान जगत को हैरत में डाल दिया है, और जीवन की संभावनाओं वाले इस छोटे ग्रह यूं कहें कि स्थान के रूप में उभरकर सामने आया है। साथ ही शनि ग्रह का चांद भी बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ उपग्रह है। खैर, ये तो बात रही हमारे सौरमंडल यानी हमारे तारे सूर्य के परिवार की। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी तारे के परिवार की, जहां पर एक दो नहीं बल्कि तीन ग्रह हैं जिसका चक्कर लगाते हैं हैबिटेबल जोन में। हैबिटेबल जोन यानी जीवन के लिए सबसे उपयुक्त जोन है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी आती है। आज हम इसी सौरमंडल, इस पड़ोसी तारे के परिवार की बात करेंगे। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य, और आप ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम इस तारे के परिवार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका नाम। इसका नाम है ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम, जैसे हमारा सोलर सिस्टम वैसे ही इस ग्रह का सोलर सिस्टम, और यह एक रेड ड्वार्फ स्टार है, यानी एक ये लाल बोना तारा है। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में मौजूद एक्सोप्लैनेट की खोज। आज हम इस तारे के ग्रहों के बारे में खोज करेंगे। ट्रैपिस्ट 1d जो कि इसका सबसे ज्यादा हैबिटेबल जोन वाला ग्रह है, उसके बाद ट्रैपिस्ट 1e और ट्रैपिस्ट 1f के बारे में भी जानेंगे, और क्यों है यहां पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं, इस पर भी जरूर विचार करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम कि ये पूरा सिस्टम क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने ऐसे ग्रहों की पहचान करना शुरू किया जो जीवन के पनपने के लिए सभी जरूरी परिस्थितियां मौजूद हों, जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। इसी खोज में हमारे सौरमंडल से करीब 40 लाइट ईयर यानी 40 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक ऐसा रेड ड्वार्फ स्टार यानी एक बोने तारे का पता चला, जहां कुछ ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन पनप रहा हो। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को इस रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे कुल 7 ग्रहों का पता चला, जिनमें से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगा रहे थे। हैबिटेबल जोन में मौजूद ये ग्रह रॉकी वॉर्ड्स हैं, जहां हमारे धरती से भी ज्यादा पानी और एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। रेड ड्वार्फ स्टार हमारे सूर्य की तुलना में कई ट्रिलियन सालों तक जिंदा रहते हैं, जिस दौरान ये अपने एक्सोप्लैनेट तक अपनी रोशनी और एनर्जी पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में इन तारों का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट पर किसी प्रकार की लाइफ को इवॉल्व होने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाता है, और इसी वजह से इन रेड ड्वार्फ स्टार को किसी प्रकार के लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स के लिए सबसे चुनिंदा जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा ही एक रेड ड्वार्फ स्टार है ट्रैपिस्ट 1, जो कि हमारी धरती से करीब 40 लाइट ईयर दूर है, एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार की खोज 1999 में खगोलविद जॉन गिजिस और उनके सहयोगियों ने की थी। उस समय इसे 2 मास J 23062928 050 2285 नाम दिया गया था। यह तारा असल में एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी छोटा और कम चमकीला स्टार है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे सूर्य से कहीं ज्यादा पुराना स्टार है।
जिसकी अनुमानित उम्र 5 से 8 बिलियन साल हो सकती है। इसका आकार हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर से थोड़ा ही ज्यादा है, पर इसका मास करीब 80 जुपिटर ग्रहों के जितना है। मई 2016 में वैज्ञानिकों के एक दल ने ट्रांसिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटसिमल्स स्मॉल टेलीस्कोप यानी ट्रैपिस्ट का उपयोग करते हुए इसका चक्कर लगा रहे 3 रॉकी प्लैनेट की खोज की, जिसके बाद इस स्टार सिस्टम को ट्रैपिस्ट 1 नाम दे दिया गया। फरवरी 2017 में वैज्ञानिकों ने नासा के स्पिजर स्पेस टेलीस्कोप और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हुए इस स्टार सिस्टम का चक्कर लगा रहे 7 ग्रहों की खोज की। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों को धरती से परे किसी दूसरे सोलर सिस्टम में इतने ज्यादा ग्रह मिले हो। पर इस खोज की सबसे खास बात यह थी कि इन 7 ग्रहों में से 3 ग्रह इस तारे के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हैं। किसी तारे का हैबिटेबल जोन उस तारे का खास जोन होता है जहां न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज्यादा ठंड। इसकी वजह से इस जोन में मौजूद ग्रहों में पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जो कि जीवन के पनपने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट माना जाता है। ऐसे में इन ग्रहों पर एक हार्ड सरफेस, लिक्विड वाटर, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद जीवन भी मौजूद हो सकता है। ट्रैपिस्ट 1d यह इस स्टार सिस्टम का तीसरा एक्सोप्लैनेट है। इस एक्सोप्लैनेट की खोज 2016 में ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप के जरिए की गई थी, जिसके बाद 2017 और 2018 में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और नासा के स्पिट्जर टेलीस्कोप का उपयोग करके इसका करीबी से अध्ययन किया गया। अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का केवल 30% है और आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार का 80% है। यह अपने तारे से केवल 0.22 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जो हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 2% है। ऐसे में इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 4 दिन का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर 1 साल केवल 4 दिन का ही होता है। इस एक्सोप्लैनेट की सबसे खास बात यह है कि यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन के इनर रीजन में मौजूद है और इसे अपने तारे से लगभग उतनी ही सनलाइट मिलती है जितनी कि पृथ्वी को हमारे सूर्य से मिलती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह का करीब 5% मास लिक्विड वाटर के विशाल ओशियन के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसका वॉल्यूम हमारी धरती के महासागरों में मौजूद वाटर से भी सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। इन महासागरों में जीवन के पनपने की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है, जो कि किसी प्रकार के जीवन के इवॉल्व होने के लिए एक अनुकूल तापमान माना जाता है। अपने रेड ड्वार्फ तारे के नजदीक मौजूद होने के कारण यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी इस तारे का एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा तारे की दूसरी दिशा में रहेगा। ऐसे में इसके एक साइड में तापमान जीवन के लिए अनुकूल रहता है तो दूसरा साइड बेहद ही ठंडा रहता है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका एक्टिव एटमॉस्फेयर इसके दूसरे साइड तक जरूर एनर्जी पहुंचाकर इस एक्सोप्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबल रखता होगा। यह एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है जिसका आकार दूसरे ट्रैपिस्ट 1 ग्रहों की तुलना में काफी छोटा है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस ग्रेविटी मात्र 0.48 ग्राम है, यानी कि इस ग्रह पर आपका वजन धरती की तुलना में आधा ही होगा। वैज्ञानिकों को यहां हमारी धरती की तरह ही एक बेहद ही एक्टिव एटमॉस्फेयर का पता चला है, जो कि इसके सरफेस को इस तारे से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता होगा। इसका अर्थ सिमिलेटरी इंडेक्स 0.91 है, जो कि इसे सौरमंडल से परे अभी तक खोजा गया धरती से छठवां सबसे ज्यादा मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट बनाता है, जहां लिक्विड वाटर के महासागर, रॉकी सरफेस और एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद है। ऐसे में यहां किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या कॉम्प्लेक्स लाइफ के इवॉल्व होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ट्रैपिस्ट 1e यह इस स्टार सिस्टम का चौथा एक्सोप्लैनेट है। इस एक्सोप्लैनेट की खोज अन्य ट्रैपिस्ट 1 ग्रह की तरह ही 2016 में ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप के जरिए की गई थी, जिसके बाद 2017 और 2018 में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और स्पिट्जर टेलीस्कोप का उपयोग कर इसका करीबी से अध्ययन किया गया। अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारी पृथ्वी ग्रह के मास का करीब 78% है और उसका आकार हमारी पृथ्वी का करीब 91% है, यानी कि मास और आकार में हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट है। यह अपने तारे से केवल 0.029 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 3% है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 6 दिन का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर 1 साल केवल 6 दिन का होता है।
यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन के मिडल आउटर रीजन में मौजूद है, जिसकी वजह से इसे हमारे पृथ्वी की तुलना में अपने तारे से केवल 60% सनलाइट ही मिलती है। भले ही यह एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है, पर वैज्ञानिकों को अभी तक इस एक्सोप्लैनेट पर किसी प्रकार के लिक्विड ओशन का पता नहीं चला है। यहाँ पर लिक्विड वाटर सॉलिड आइस और इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में मौजूद हो सकता है। अब बात करते हैं अगले ग्रह की, ट्रैपिस्ट 1e। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अपने रेड ड्वार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण यह दूसरे ट्रैपिस्ट 1 ग्रहों की तरह ही अपने तारे से टाइटली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इसका एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा उसके अपोजिट हो सकता है। ऐसे में एक साइड में लिक्विड वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है तो एक साइड में है सॉलिड आइस बन जाता है। पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन मौजूद हो सकती है, जहां एवरेज तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता है। ऐसे में इस रीजन में किसी प्रकार के लाइफ के इवॉल्व होने की बेहद ही ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। यह एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है जिसका सरफेस ग्रेविटी 0.93 है, जो कि हमारे पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। यहां हमारे धरती की तरह ही एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि इस एक्सोप्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबल रखता होगा और इसे अपने स्टार के अल्ट्रा वायलेट रेज से भी बचाता होगा। इसका अर्थ है सिमिलिट्री इंडेक्स 0.95 है, जो कि इसे सौरमंडल से परे धरती से दूसरा सबसे ज्यादा मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट बनाता है, जहां लिक्विड वाटर है, रॉकी सरफेस है और एक एक्टिव एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है। ऐसे में यहां किसी प्रकार के माइक्रोबायल लाइफ या कॉम्प्लेक्स लाइफ होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ट्रैपिस्ट 1f, यह स्टार सिस्टम का 5वां एक्सोप्लैनेट है। इस एक्सोप्लैनेट की खोज 2017 और 2018 में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप और नासा के स्पिट्जर टेलीस्कोप का उपयोग करके किया गया था। अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारी पृथ्वी ग्रह के मास का करीब 70% है और इसका आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार के बराबर है। यह अपने तारे से केवल 0.037 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 4% है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 9 दिन का समय लगता है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन के आउटर रीजन में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट के मास का कुल 20% हिस्सा पानी है, जो कि सॉलिड आइस और वाटर वेपर्स के रूप में इस ग्रह पर मौजूद है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसका कारण है इसका बेहद ही डेंस और थिक एटमॉस्फेयर। अपने रेड ड्वार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण यह दूसरे ट्रैपिस्ट 1 ग्रह की तरह ही अपने तारे से टाइटली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इसका एक साइड हमेशा तारे की ओर तो दूसरा उसके दूसरी ओर रहेगा, यानी एक तरफ रोशनी हमेशा रहेगी और दूसरी ओर हमेशा अंधेरा रहेगा। ऐसे में एक साइड में पानी वेपर बनकर उड़ सकता है और एक साइड में है सॉलिड आइस बन सकता है। पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन यानी एक ऐसी जगह मौजूद होगी जहां पर जीवन मौजूद होगा, जिसकी वजह से इस रीजन में जीवन फल फूल सकता है। इस एक्सोप्लैनेट की सरफेस ग्रेविटी 0.62 ग्राम है, यानी कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो एक्सोप्लैनेट पर आपका वजन मात्र 62 किलोग्राम होगा। यहाँ वीनस ग्रह की तरह एक डेंस और थिक एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि इसके सरफेस को काफी वार्म कर देता है। इसका अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.70 है, जो कि इसे सौरमंडल से परे धरती से 30वां सबसे ज्यादा मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट बनाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन 3 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह पर जीवन मौजूद हो या फल फूल रहा हो। वर्तमान समय में वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और कुछ बेहद ही एडवांस ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप पर काम कर रहे हैं, जिनके आने वाले करीब 5 से 10 सालों में पूरी तरह ऑपरेशनल होने की संभावना है। इन एडवांस टेलीस्कोप का उपयोग कर वैज्ञानिक स्टार सिस्टम और इसके ऑर्बिट में मौजूद ग्रहों का और भी करीबी से अध्ययन कर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाकर हमें दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।